हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आज मैं किसी बड़ों के लिए ना तो पिंपल्स के, ना ही पिगमेंटेशन के लिए, ना झइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो इन गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उस माँ के लिए जो माँ अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। क्यों? क्योंकि इस गर्मी में चत्ते चत्ते लाल लाल शरीर पे पड़ जाता है, बोस में बहुत ज़्यादा जलन होता है, घमोरिया होते हैं। और जिन बच्चे लोगों को हगिस पहना के रखते हैं, हगिस में गिलापन की वजह से दोनों जांघों में लाल लाल हो जाते हैं, खुजली होते हैं और बहुत ज़्यादा जलन होते हैं। तो आप लोग बहुत टेंशन करते होंगे, बहुत परेशान करते रहते होंगे कि क्या करो। तो उसका 100% सलूशन लेकर आया हूँ आज। जी, आज मेरे को देखना है कि अपने बच्चों के लिए माँ क्या क्या नहीं करता है। पर सच्चे दिल से, सच्चे भावना से इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिरी तक देखिए। मैं बताऊंगा उस पाउडर की बारे में जो एक ही बार में यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेंगे आपके बच्चों को। तो मैं चाहूँगा उस हर माँ के पास इस वीडियो को पहुँचे। आप कोई भी माँ इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज देखूँगा कि माँ, एक माँ के ममता में कितना ताकत होता है, कितने लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुँचते हैं। आज मेरे को यही देखना है कि माँ और अपने कलेजा के टुकड़े का प्यार कहाँ तक आप लोग बांटेंगे। जी गाइस, आज बिल्कुल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर माँ के पास पहुँचाइए। इतना ज़्यादा गर्मी में आप परेशान मत होइए। आपके बच्चे रात भर नहीं सो पाता है, दिन में सुलाते नहीं सो पाता है घमोरिया की वजह से, जलन की वजह से। तो इसको सिर्फ बच्चे नहीं, आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकता है। एनीबॉडी कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, अंडर आर्म्स में, जांघों में, जहाँ पर भी घमोरिया का प्रॉब्लम हो रहा है, लाल लाल चत्ते पड़ रहा है, जलन हो रहा है स्किन में, अब हर जगह यूज़ करिए। जी, ये पाउडर आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएंगे बड़े आसानी से। जी, मैं बात कर रहा हूँ ग्लेनमार्क का कैंडिड पाउडर का। ट्रस्ट करिए, एक बार ये पाउडर यूज़ करके देखिए, इतना बढ़िया शानदार रिजल्ट पहले दिन से ही आप लोगों को आराम मिलना चालू हो जाएंगे। जी गाइस, और एक रिक्वेस्ट और है, बच्चे लोगों के ऊपर ध्यान रखिए, गर्मी अधिक है तो थोड़ी देर बाद बच्चों को जरूर, चाहे वो कितना छोटे बच्चों, पानी जरूर पिलाते रहिएगा। पानी की कमी में कमी बिल्कुल अपने शरीर पे या बच्चों के शरीर पे नहीं आने देना है आप लोगों को। ओके, मैं आज देखूंगा कितना माँ का कमेंट आता है और कितना वीडियो शेयर होते हैं। ओके गाइज, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, आप लोगों को थोड़ा सा भी रिलैक्स हुआ होगा, आपका बच्चा को थोड़ा सा भी आराम मिला होगा, तो एक कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलता हूँ मैं मेरे अगले वीडियो लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और स्वस्थ